नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। राजधानी भोपाल में शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से देवी मां की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही नवरात्रि को लेकर लोगों में अच्छी खासी उमंग नजर आई, तो वहीं लोगों ने माता रानी का जुलूस निकाल कर काफी धूमधाम से उनकी स्थापना की। शहर के विभिन्न चौराहों, गली मोहल्ले और घर घर में माता रानी विराजमान हुई हैं, जिसको लेकर बाजार में भी अच्छी खासी लाइटिंग की गई थी। इस मौके पर शहर के मुख्य बाजारों को अच्छी लाइटिंग से सजाया गया था, जहां पर पूरा बाजार जगमगाने लगा था। भक्तों ने मां की पूजा आराधना कर अलग अलग तरीके से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना की। शहर के रोशनपुरा मार्केट में माता रानी के साथ शिव पार्वती की मूर्ति भी रखी गई है। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंग भगवान गणेश के साथ अमृत मंथन की झांकी भी निभाई गई। साथ ही 35 फीट की शिवलिंग भी भक्तों को काफी ज्यादा रिझा रही है। शहर के व्यापारिक संघ ने अपने स्तर पर दुर्गा माँ की झांकी सजाई। इसके साथ राजधानी में गरबे की भी धूमधाम दिख रही है। शहर के वांछिते गरबे की राग पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। वहीं मिठन मार्केट में नर्मदा परिक्रमा को लेकर थीम रखी गई है, जहां पर इस नर्मदा परिक्रमा की थीम को पूरी करने के लिए 51,000 लीटर पानी नर्मदापुरम से लाया गया है। आपको बता देते हैं, लोग इस नवरात्रि काफी ज्यादा उत्साहित हैं। वहीं पहले दिन ही बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन किए गए। अब आपको बता देते हैं, पूरे 8 दिन और इसी तरीके की धूमधाम और पूजन पाठ चलती रहेगी। ताजा खबरों के लिए बने रहें टीवी न्यूज में।